फ्रेंड्स, आज हम बात कर यस बैंक की। दोस्तों, पता नहीं किसी को क्या यस बैंक से दुश्मनी हो गई है या बैंक के बारे में निगेटिविटी फैलाकर अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। कुछ भी रीजन हो, परंतु दोस्तों बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं कि किसी भी तरह यस बैंक को स्टॉक को गिराया जाए और 10 के करीब लाया जाए। और दोस्तों कभी भी उसके लिए क्या करते, कभी बैंक की कोई पुरानी न्यूज़ को फिर से नई तरीके से हाईलाइट करते, जो न्यूज़ राणा कपूर के टाइम में हुई थी उनको फिर से नया बना के पेश कर रहे हैं, या फिर कभी 10 का सेल का टारगेट देते हैं कि स्टॉक 10 तक जाएगा। और इस तरह से दोस्तों मार्केट में पैनिक माहौल बना रहे हैं ताकि लोग घबरा कर आनंद फानंद में अपने माल को सस्ते भाव में बेचकर लॉस बुक कर ले। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से वो सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ, जिससे आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि दोस्तों किसी भी हालत में आपको ये स्टॉक को नहीं बेचना है, सपने में भी स्टॉक को नहीं बेचना है, क्योंकि ये प्योर गोल्ड है। और आपको ये पूरा वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगी कि ये वीडियो आपके लिए कितना नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आपको ये पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा खेल चल रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SV दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, फ्राइडे को यस बैंक का स्टॉक 14.07 पर ओपन हुआ, फिर 13.98 के लो तक गया और फिर वहाँ से वापस अपने 14 के सपोर्ट को क्रॉस करते हुए 14.25 का हाई बनाया और फिर 14.03 पर करीब 0.57% यानी आधा परसेंट डाउन पर क्लोज हो गया। दोस्तों आज BSE में करीब 1,47,29,161 शेयरों की ट्रेडिंग हुई और उसमें से दोस्तों करीब 82,51,718 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का दोस्तों 56.02% बनता है, यानी दबाकर डिलीवरी उठाई जा रही है। दोस्तों एक तरफ तो जहाँ पैनिक माहौल बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ भारी मात्रा में डिलीवरी उठाई जा रही है, यानी इतने भारी वॉल्यूम के बीच में जो 56% डिलीवरी बेस काम हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं तो कोई बड़ा खेल चल रहा है। एक तरफ तो माल को दबा के उठाया जा रहा है और एक तरफ हमें माल बेचने के लिए कहा जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों NSE की, तो NSE में करीब दोस्तों 6,38,09,876 जितने भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ और उसमें दोस्तों करीब 2,39,88,502 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का दोस्तों 37.59% है, यानी NSE में भी अच्छी खासी मात्रा में डिलीवरी बेस्ड कामकाज हो रहा है। दोस्तों वॉल्यूम एज यूजुअल रोज की तरह ही था, परंतु दोस्तों अशोक लेलैंड और ICICI बैंक में ज़्यादा वॉल्यूम होने की वजह से फ्राइडे को यस बैंक का स्टॉक वॉल्यूम के मामले में 4 नंबर पर था दोस्तों। लेकिन लोगों की काफ़ी कोशिश के बावजूद भी स्टॉक 14 के सपोर्ट को कोई हालत में नहीं तोड़ रहा है, परंतु उनकी कोशिश जारी है किसी न किसी तरह से स्टॉक के बारे में न्यूज़ फैला के स्टॉक को 10 के नीचे लाना है, परंतु ये होने वाला नहीं है दोस्तों। दोस्तों अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि मुझे क्यों लग रहा है कि इसमें कोई बड़ा गेम चल रहा है, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग वो पुराने कारनामे जो यस बैंक के पुराने प्रमोटर राणा कपूर के वक्त हुए थे उनको फिर से सजा के भाई नए तरीके से पेश कर रहे, ऐसे साबित करना चाहते हैं जैसे अभी यस बैंक के अंदर ये घोटाले हो रहे हैं या यस बैंक के अंदर इस तरह के कारनामे हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों वो सब पुरानी बासी खबरें हैं जिनको वो नए तरीके से सिर्फ पेश कर रहे और उनको आपको दोस्तों उनके इस जाल में फंसना नहीं है। दोस्तों चलो मैं उन कुछ न्यूज़ के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों इस तरह से जो न्यूज़ चल रही है जो स्टॉक को दबाव का काम करे स्टॉक के अंदर ताकि लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट होए, लेकिन दोस्तों आपको घबराना नहीं है। दोस्तों पिछले दिनों एक न्यूज आई थी कि यस बैंक के ऑडिट कमेटी के चेयरमैन उत्तम अग्रवाल ने अपने पद से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि यस बैंक का नया प्रबंधन ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है और बैंक में गड़बड़ चल रही है। लेकिन दोस्तों जब एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल कमेटी ने जांच की तो इस आरोप का पूरा निराधार पाया और उन्होंने ये पाया कि इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि बैंक में कोई गड़बड़ नहीं चल रही है और बैंक बिल्कुल पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। और दोस्तों साथ में बीच बीच में ऐसी अफवाहें उड़ाते रहते हैं जिससे बैंक के प्रति लोगों का भरोसा कम हो जाए। दोस्तों स्टॉक में भारी गिरावट आए ऐसा काम करते हैं, पर दोस्तों उनकी बातों में हमें आना नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कोटक ब्रोकरेज फर्म के यस बैंक पर सेल के टारगेट। दोस्तों कोटक ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि अभी जो स्टॉक की प्राइस है वो फेयर नहीं है प्राइस और प्राइस में गिरावट आनी चाहिए। उनका मानना है कि स्टॉक की प्राइस 10 होनी चाहिए। दोस्तों
तो मैं दोस्तों, वो जब ऐसे कह रहे हैं कि वो स्टॉक की प्राइस 10 होनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि अभी जो फिलहाल है ये ओवर वैल्यू है, तो मैं दोस्तों उनसे कहना चाहता हूँ, एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब बैंक को फिर से खड़ा करने के लिए FPO लाया गया था तो उसकी प्राइस 12 रुपये रख गई थी, तो जब उस वक्त 12 रुपये के भाव में FPO लोगों को महंगा नहीं लग रहा था, तो अब आपको ये 10 रुपये की प्राइस क्यों दिखनी चाहिए? आपको क्यों लगता है कि ये प्राइस है 10 तक जानी चाहिए, जबकि उस वक्त तो बैंक बिल्कुल डूबने की कगार पर थी, बैंक का कोई भविष्य भी नहीं दिख रहा था, उसके बावजूद भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने तो भी बैंक के प्रति भरोसा जताते हुए 12 रुपये के भाव में FPO में खरीदारी की थी। और उसके बाद यस बैंक के CEO और MD प्रशांत कुमार, जो पहले SBI में CFO थे, उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बैंक को बहुत ही कम समय में अच्छी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। बैंक ने RBI द्वारा स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत दिया हुआ 50,000 करोड़ का लोन भी उनकी दी हुई सीमा के अंदर वापस भी कर दिया है, जिसकी वजह से सारी रेटिंग एजेंसियाँ लगातार अपनी रेटिंग बढ़ा रही है और बैंक के प्रति वो पॉजिटिव है और वो हमेशा लगातार बैंक की तारीफ किए जा रहे हैं। बैंक की लिक्विडिटी भी लगातार बढ़ रही है और लोगों का भरोसा भी बैंक के प्रति बहुत बढ़ रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, बैंक अपने पुराने कर्ज को वापस वसूल करने के लिए भी एक टीम का गठन किया है, जिसके द्वारा उनका जो डूबा हुआ कर्ज है उसको वो वापस प्राप्त कर लेंगे। और इस तरह से बैंक अपने सारे तरफ से सारे तरीके अपना रही है दोस्त, अपने बैंक अपने खर्च में भी काफ़ी कटौती किए हुए जिससे पैसे बचे। और दोस्तों, ये सब इतना करने के बावजूद स्टॉक की प्राइस 10 होनी चाहिए, ये बात किसी के गले नहीं उतरती, क्योंकि दोस्तों जब 12 के भाव में FPO में खरीदारी की थी तब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उसके बारे में अच्छी तरह से पूरी जानकारी करके ही उन्होंने प्राप्त की होगी। दोस्तों, जब 12 रुपये के भाव में FPO में खरीदारी करने वाले जो सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे वो बहुत प्रोफेशनल लोग थे, उन्होंने बैंक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके ही इन्वेस्टमेंट किया था और अब लगातार अपने काम का विस्तार बैंक कर रही है, लगातार काम काज बढ़ रहा है। अभी एक सप्ताह पहले ही यस बैंक ने ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी के साथ में बिजनेस टाई अप किया है, यानी अब यस बैंक इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी कामकाज करना चालू कर रही है और अपना नया कामकाज और बढ़ा रही है, यानी इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी अभी वो आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से लगातार दोस्तों बैंक का काम दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहा है, एक्सीलेंट तरीके से काम कर रही है, हर तरह से बैंक का ग्रोथ बढ़ रहा है, लिक्विडिटी फैसिलिटी बढ़ रही है, सारे लोग पॉजिटिव तरीके से बैंक को ले रहे। तो इस तरह से इस टाइम में टारगेट एक दे देना कि 10 रुपये तक चला जाएगा स्टॉक, यह एक कोई बड़ा खेल की ओर इशारा कर रहा है और हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर का माल सस्ते में उठाने की बहुत शानदार साजिश चल रही है। यानी लोगों को अभी भी कोई बड़े ग्रुप को यह बैंक के स्टॉक चाहिए लेकिन कम रेट में, और इसीलिए सब सारा खेल चलाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जब बैंक के पास कुछ भी नहीं था, बैंक के प्राइस 12 रुपये रखी गई थी, जब बैंक की स्टार्ट हुई थी उस टाइम में उसके बैंक की कोई दिशा नहीं थी, उस टाइम भी उसकी प्राइस IPO के द्वारा 12 रखी गई थी, और आज जब लगातार रोज कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो स्टॉक कैसे 10 हो सकता है? मेरा मानना है बहुत सारी ताकत साथ मिलकर स्टॉक को 14 पर रोके हुए है, वरना कब का स्टॉक तो दोस्तों 20 के पार चला जाता। दोस्तों आप विश्वास रखना, बहुत जल्द स्टॉक यहाँ से उठेगा और 20 के पार निकलेगा, क्योंकि ये स्टॉक अभी इस कीमत पर रह नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। दोस्तों अगर आप अगर एक बार ये समझ लो कि ये स्टॉक को रोके नहीं रखे तो अब ये स्टॉक कभी भी दौड़ सकता है, लेकिन फिर भी दोस्तों यह स्टॉक किसी के रोके रुकने वाला नहीं है। अब दोस्तों जरा कम्युनिटी सेंटीमेंट की भी बात कर लेते हैं, तो दोस्तों कम्युनिटी सेंटीमेंट के थ्रू 12% सेल की कॉल निकल रही है, 5% होल्ड की और 83% लोगों की बाय की कॉल निकल रही है, यानी लोगों का सेंटीमेंट स्टॉक के साथ में है, वो पॉजिटिव है, स्टॉक को लेके बुलिश नज़रिए से देख रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि स्टॉक आगे बढ़े। तो दोस्तों आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टॉक 12 के नीचे कभी भी नहीं जा सकता। और दोस्तों मैंने यस बैंक की स्टॉक की परफॉर्मेंस और बैंक के बारे में पूरी अच्छी तरह से स्टडी की हुई है, आप चिंता मुक्त होकर बैठ जाइए, थोड़ा लंबा नज़रिए रखिए, लॉन्ग टर्म में स्टॉक आराम से आपको 105 का टारगेट देगा, बिल्कुल दोस्तों 105 को ये टच करेगा और कोई माइका लाल इसको रोक नहीं सकता, इसलिए आप बेफिक्र होकर इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए और शांति से बैठे रहिए। और जो चाहते हैं कि ये 10 होए उनको मुंगेरी लाल के सपने, हसीन सपने दोस्तों देखने दो, लेकिन दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि दोस्तों मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।